एसएम इन्फोटेक के और एक व्यापार बिजनेस ट्यूटोरियल वीडियो में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हो, आपके शॉप में बड़े बड़े शोरूम की तरह कस्टमर्स को लॉयलिटी पॉइंट्स देना चाहते हो ताकि कस्टमर लॉयलिटी पॉइंट्स के चक्कर में आपके शॉप में बार बार विजिट करे एंड उस पॉइंट्स को रिडीम करने के चक्कर में आपसे ही परचेस करे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आपके कस्टमर जब आपके शॉप में परचेस करने आएगा, उस इनवॉइस अमाउंट के बेसिस पे उसको एक रिवार्ड पॉइंट मिलेगा, लॉयलिटी पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं। आगे जब कस्टमर दोबारा आपके शॉप में आएगा तो उस लॉयलिटी पॉइंट्स को वो लोग रिडीम करके उसका थोड़ा सा कैश डिस्काउंट हो जाएगा। आप लोग इनवॉइस अमाउंट कितने होने पर कितने पॉइंट मिलेगा वो सेट कर सकते हो, कितने रिवार्ड पॉइंट इक्वल टू कितना पैसा होगा आपका वो भी आप लोग खुद से ही मैनुअली सेट कर पाओगे। तो अगर आपको लॉयलिटी पॉइंट्स वाले फीचर आपके शॉप या आपके शोरूम के लिए चालू करना है तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग आपके शॉप में ये वाले फीचर्स को इम्प्लीमेंट कर पाओगे। इस वीडियो में ये लॉयलिटी पॉइंट्स देने के लिए मैं जो सॉफ्टवेयर का यूज करूंगा वो है व्यापार बिलिंग सॉफ्टवेयर। अगर आप लोग दूसरे किसी सॉफ्टवेयर को यूज करते हो, व्यापार बिलिंग सॉफ्टवेयर के बारे में आप सबको पता नहीं, तो व्यापार बिलिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत सारे वीडियोज हमारे चैनल में ऑलरेडी है, उसका एक प्लेलिस्ट भी हमने क्रिएट करके रखा है जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑल्सो दे दूंगा। इस वीडियो में लॉयलिटी पॉइंट वाला प्रोसेस आप लोग देख लीजिए, इस वीडियो देखने के बाद वो वीडियो देख लेना, उस वीडियो में आपको व्यापार का कंप्लीट अकाउंटिंग ट्यूटोरियल का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में आपको व्यापार का कंप्लीट अकाउंटिंग का ट्यूटोरियल मिल जाएगा। तो अब मैं आपका टाइम बिना वेस्ट किए आइए ले चलता हूँ डेस्कटॉप के स्क्रीन पे एंड आपको दिखाता हूँ कैसे आप लोग लॉयलिटी पॉइंट वाले फीचर को इम्प्लीमेंट करोगे आपके खुद के बिजनेस पे। अब मैं आ गया हूँ मेरा डेस्कटॉप के स्क्रीन पे, व्यापार ऐप को ओपन कर लिया है। अब आपको दिखाऊंगा कैसे आप लोग लॉयलिटी पॉइंट्स वाले फीचर्स को पार्टी में ऐड कर सकोगे। आपका व्यापार सॉफ्टवेयर में बाय डिफॉल्ट लॉयलिटी पॉइंट्स वाले जो ऑप्शन है वो ऑन नहीं रहेगा। इसको ऑन करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको ट्रांजैक्शंस मैसेज के नीचे जो पार्टी का ऑप्शन है इसमें क्लिक कर देना है। देन देखिए राइट साइड यहाँ पे इनेबल लॉयलिटी पॉइंट्स कह के एक फीचर्स है, इसको आपको यहाँ से इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद अगर आप लोग अभी इसका प्रोसेस को सेटअप करना चाहते हो तो एक्सप्लोर नाउ कर सकते हो, अनलेस आप लोग एक्सप्लोर लेटर में भी क्लिक कर सकते हो। मैं इस केस में एक्सप्लोर लेटर कर देता हूँ। अब इसको क्रॉस करके यहाँ से निकल जाता हूँ। अब आपको दिखाता हूँ ये पॉइंट, ये जो फीचर्स है वो कहाँ पे इनेबल हुआ है। देखिए आपका होम टैब के नीचे जो पार्टीज है इसमें अगर आप लोग अब क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे देखिए पार्टीज डिटेल्स के नीचे लॉयलिटी पॉइंट्स का एक और भी टैब ओपन होके आ गया है जो कि पहले आपका नहीं था, वो फीचर्स को सेटिंग से इनेबल करने के बाद ही ये ओपन हुआ है। तो इस लॉयलिटी पॉइंट्स में आपको आना है। अब तो आपका ये लॉयलिटी पॉइंट्स यहाँ से सेट नहीं है, आपको पहले इसको सेटअप करना पड़ेगा। इस लॉयलिटी पॉइंट को सेटअप करने से आपका क्या बेनिफिट होगा, आप लोग आपका रिपीट यूजर को इंक्रीज कर पाओगे, आपका जो टिकट साइज रहेगा आपका इनवॉइस का वो अमाउंट इंक्रीज होगा एंड ऑल्सो आप लोग आपका कस्टमर का लॉयलिटी को एनकरेज कर सकते हो उनको रिवार्ड देके, उनको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट देके। ये लॉयलिटी पॉइंट वाले फीचर्स को हम लोग कैसे इनेबल करें, इनेबल करने के लिए देखिए इसके नीचे सेटअप नाउ कह के एक बटन है, इस बटन में आप लोग सिंपली क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए पहले वाले जो विंडोज आया है यहाँ पे आपको देना है आप कितने अमाउंट में एक पॉइंट देना चाहते हो, आपका इनवॉइस का अमाउंट कितने होने पर कस्टमर को एक पॉइंट, एक लॉयलिटी पॉइंट, एक रिवार्ड पॉइंट मिलेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे 100 देता हूँ। इसका मतलब अगर आप लोगों का कस्टमर 100 रुपीज का परचेस करता है आपसे तो एक पॉइंट उनको मिलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए मिनिमम वैल्यू ऑफ इनवॉइस फॉर अर्निंग पॉइंट्स, मतलब मिनिमम कितना वैल्यू होना चाहिए जिस वैल्यू का बिलिंग करने पर कस्टमर को रिवार्ड पॉइंट मिलेगा। तो आप यहाँ पे इसको सेट कर सकते हो, मैं इसको 500 सेट करता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, 100 पे एक पॉइंट कस्टमर को मिलेगा लेकिन जब तक वो 500 का बिलिंग नहीं करवाता है उसको कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर वो 400 का बिलिंग करवाता है तो भी उसको एक भी लॉयलिटी पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर कस्टमर 500 का बिलिंग करेगा या 500 का ऊपर का कोई भी बिलिंग करेगा एक इनवॉइस में तब उसको 5 पॉइंट मिल जाएगा, 500 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अगर वो 50,000 का बिलिंग करेगा आपसे तो उसको कितना पॉइंट मिलेगा, 50,000 डिवाइडेड बाई 100 मतलब 500 पॉइंट मिल जाएगा उसको। एंड ऑल्सो आप लोग सेट पॉइंट एक्सपायरी सेट कर सकते हो, मतलब ये जो लॉयलिटी पॉइंट है कितने डेज में एक्सपायर कर जाएगा। मैं यहाँ पे 60 डेज सेट कर देता हूँ। देन प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है।
आप आपके हिसाब से 30 दिन का भी दे सकते हो, यहाँ पे मैंने 500 दिया, आप लोग 300 पे भी कर सकते हो, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ कोई भी वैल्यू। देन आप लोग प्रोसीड में क्लिक कीजिए, देन देखिए रिडीम सेटअप, मतलब देन आपको रिडीम सेटअप विंडोज में लेके आएगा। यहाँ पे एक पॉइंट का वैल्यू आप कितने देना चाहते हो, एक पॉइंट इक्वल टू कितने रुपीज आप देना चाहते हो, मैं यहाँ पे एक पॉइंट इक्वल टू 1 रुपीज दे देता हूँ, आप लोग आपके हिसाब से देना। एंड मैक्सिमम परसेंट ऑफ इनवॉइस वैल्यू, मतलब ये जो रिडीम पॉइंट है कितने परसेंट तक रिडीम पॉइंट का वैल्यू को वो यूज कर सकता है एक इनवॉइस का, मैं यहाँ पे देता हूँ 10%। अगर कस्टमर के पास 500 रिवार्ड पॉइंट है, मतलब 500 रुपीज है, आपका इनवॉइस का जितना वैल्यू होगा उसका 10% ही वो रिडीम पॉइंट से माइनस कर पाएगा। मतलब समझ रहे हो, अगर कस्टमर 50,000 का बिलिंग करवाता है, उसका 10% मतलब 5,000 रुपया वो रिडीम पॉइंट से रिडीम कर पाएगा, उससे ज्यादा रिडीम पॉइंट से रिडीम नहीं कर पाएगा। अगर उसके पास 6,000 भी पॉइंट है तब भी वो रिडीम नहीं कर पाएगा, क्योंकि 10% आपने लिमिट कर दिया। अब इसको 10% के जगह पे 5% भी कर सकते हो। देन आप लोग यहाँ पे मिनिमम इनवॉइस वैल्यू सेट कर सकते हो, जिस इनवॉइस वैल्यू से ऊपर वो परचेस करेगा तब भी आप उसको रिडीम पॉइंट मिलेगा, वो भी आप लोग यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये 200 दे दूंगा, देन फिनिश सेटअप पे क्लिक करूंगा। जैसे ही आप लोग ये करोगे, आपका लॉयलिटी पॉइंट्स वाला जो फीचर वो सेटअप हो जाएगा। अब आप लोग जब एड सेल करने जाओगे किसी भी पार्टी को, तब आपको ये दिखेगा। देखिए, जैसे कि मैं ABC इन्फोटेक को बिल कर रहा हूँ, तो जब भी मैंने 500 यहाँ पे दे दिया, देखिए पॉइंट अवार्डेड 5 पॉइंट उसको अवार्डेड होगा, ठीक है। अगर 600 दूंगा तो उसका 6 पॉइंट अवार्डेड होगा, एंड अगर 550 होगा तो 5.5 उसका पॉइंट अवार्ड होगा, ठीक है। तो मैं इसको देके सेव कर देता हूँ। देखिए उसको भी दिख जाएगा अर्न पॉइंट कितना है, अवेलेबल पॉइंट उसके पास कितना है, वो भी उसको शो हो जाएगा। देन फिर से अगर मैं उसको बिल करने जाऊँ तो दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ABC इन्फोटेक को फिर से मैंने बिल करने आया, एंड यहाँ पे देखिए अगर मैं 100 का बिलिंग करवाता हूँ तो यहाँ पे कोई भी रिवार्ड पॉइंट को रिडीम करने का ऑप्शन नहीं है। 200 सेट किया था मैं वहाँ पे, तो 200 से ज़्यादा जब मैं करूँगा तो तभी ये रिवार्ड पॉइंट को मैं रिडीम कर पाऊंगा। एंड 300 का बिलिंग में देखिए 3 पॉइंट रिवार्डेड हो रहा है, एंड मैं यहाँ पे इसको पहले वाले जो पॉइंट है रिवार्ड पॉइंट मुझे मिला था उससे रिडीम करवा सकता हूँ। एक चीज आप लोग नोटिस कीजिए, तो यहाँ इस बिलिंग में इसको 3 रुपये का रिवार्ड पॉइंट मिल रहा है, एंड पहले से इसके पास 5.5 था, ठीक है। तो इसको अगर मैं रिडीम करने जाऊँ तो 5.5 रिडीम हो रहा है, लेकिन इस बिल में उसको कोई भी रिवार्ड पॉइंट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको रिवार्ड पॉइंट को ऐसे चेक करके रिडीम कर सकते हो, देन सेव कर दीजिएगा। इसके पास आप देखिए अवेलेबल पॉइंट्स है 0। अगर ये 5.5 को रिडीम नहीं करता तो इस बिल में इसको और भी 3 रुपीज का रिडीम पॉइंट मिल जाता। एंड आपका ये जो रिवार्ड पॉइंट में कैश डिस्काउंट आप दे रहे हो वो आपका एक्सपेंस में काउंटिंग होगा। आप जितने डिस्काउंट दे रहे हो वो आपका लॉयलिटी रिडीम्ड क्या के एक्सपेंस में काउंट होगा, ठीक है। अब आप लोग लॉयलिटी पॉइंट्स में आके इस सेटिंग्स में क्लिक करके यहाँ पे लॉयलिटी पॉइंट्स वाले फीचर्स को ऑफ भी कर सकते हो, एंड इसको एनेबल भी कर सकते हो यहाँ से। देन एडिट लॉयलिटी सेटअप में क्लिक करके जो सारे सेटिंग्स मैंने आपको दिखाया था वो सब भी आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो ये था लॉयलिटी पॉइंट से जुड़ी हुई कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आपका बिजनेसमैन दोस्तों में ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू। तो आप लोग सीख गए कैसे लॉयलिटी पॉइंट वाले फीचर्स को इम्प्लीमेंट करके आप लोग आपका कस्टमर्स को एक्स्ट्रा बेनिफिट दोगे, एंड आपका शॉप का सेल्स को बहुत हद तक बूस्ट कर पाओगे। तो आपको तो ये बहुत काम आएगा, आपका तो बहुत हेल्प हो गया इस वीडियो से। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कीजिए जिनको इस वीडियो का जरूरत है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इस टाइप के और भी वीडियोस को देखने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए SM इन्फोटेक को ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।